हाय। फरजाना, तुम भी हमेशा मुझे सरप्राइज देती हो। अरे भिक, कोई सरप्राइज नहीं दिया मैंने। चलो अच्छी सी चाय पिलाओ, बहुत थक गई हूँ। और हाँ, साथ में कुछ खाने का भी मंगवा लो। तुम हमेशा ऐसी की ऐसी रहना, जिंदगी भर मत बदलना। अरे भाई, बचपन के दोस्त बचपन तक ही वैसे ही होते हैं, ये तो सुना ही होगा ना तुमने। सिर्फ सुना नहीं, तजुर्बा भी हो गया। चलो तुम्हें चाय पिलवाती हूँ। दो चाय भेजें अंदर, साथ में कुछ खाने को ही भेजिएगा। और सुनाओ, क्या हो रहा है लाइफ में? क्या लाइफ, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही मसरूफियात चल रही है। अब तो मैं थक जाती हूँ। कहा तो था तुम्हें कि एक बहू ले आओ, तुम्हारे घर में भी रौनक हो जाएगी और तुम्हें भी अच्छी कंपनी मिल जाएगी। तुम्हारे कहने की वजह से मैंने इस पर सोचना शुरू कर दिया है। लो भाई, अब सोचना छोड़ो, कुछ करो भी। क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की मेरे सामने खड़ी है क्या? हाथ पकड़ा, मां से शादी कराई और घर लेके आई। ये सब इतना आसान नहीं होता। नायला, तो इतना मुश्किल भी नहीं है ये सब। इस 22 करोड़ की आबादी में कोई लड़की तो होगी अपने मास के लिए। कोई लड़की? अरे हाँ, एक लड़की है, बहुत ज़हीन और प्यारी लड़की है, लेकिन अभी पढ़ रही है और उम्र भी छोटी है। मुझे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स राजी होंगे। भाई नायला, लड़कियों का क्या है, वो तो जल्दी बड़ी हो जाती हैं। और वैसे भी अच्छी लड़कियों के रिश्ते भी बहुत आते हैं। अगर वाकई लड़की ऐसे ही जैसे तुम बता रही हो, तो मेरा मशवरा मानो कि उसके वालदैन से फौरन ही बात कर डालो। लेकिन वो भी कॉलेज में पढ़ रही है और मुझे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स मानेंगे। अरे यार, मंगनी कर डालो ना अभी। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये किया जा सकता है, लेकिन पहले मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। हाय माज, अपना इतना प्यारा बच्चा है, इतना ओबिडेंट है, उसने कहा मना करना है तुम्हें? ऑबिडियंट है तो क्या मतलब है? मैं उसके साथ जबरदस्ती करूंगी? शादी के मामले में लड़के लड़की की रजामंदी होना जरूरी है, आखिर जिंदगी तो उन दोनों ने गुजारनी है ना। हाँ भाई, बस समझोगे मैं अब इस बात के पीछे पड़ गई, वरना तुम अपनी मसरूफियात में ये बात भूल ही जाओगी 100%। अरे बिल्कुल नहीं भूल सकती, क्योंकि तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। अच्छा चाय पर लो, आ गई चाय भी।